हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो को। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रोहित टेक ब्लॉग्स को। दोस्तों, जो ये वीडियो में बना रहा हूँ, ये वीडियो जो कैनन 71-05 मशीन होती है उसके लेजर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को, अगर आपके मशीन के लेजर में प्रॉब्लम है और ये वीडियो देखने आए हैं तो रुकिए, और अगर आप किसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए वीडियो पे आए हैं तो प्लीज स्किप कर दीजिए या मेरा दूसरे वीडियो पे चले जाइए जो आपको नीड हो। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर दो कैटेगरी होती है 71-05 में, पहले एक ही आती थी कि ब्लैक स्पॉट आता था, अभी दो हो गई है, व्हाइट स्पॉट एंड ब्लैक स्पॉट। तो व्हाइट स्पॉट मशीन जो भी होती है उसमें अगर लेजर में प्रॉब्लम होती है तो मशीन में प्रिंट जो आता है ना, वो बैकग्राउंड ब्लैक आता है। और अगर ब्लैक स्पॉट मशीन है ओरिजिनल वाली, जैसे कि मशीन की प्रकृति होती है, तब अगर लेजर गंदा होता है तो प्रिंट व्हाइट आता है। दोनों कंडीशन में क्लाइंट परेशान होता है कि भैया हमारा प्रिंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज चलो मैं आपको लेजर खोल के कैसे खोला जाता है, सबसे पहले तो 71-05 में लेजर कैसे ओपन करें, कैसे खोलें और उसको कैसे साफ करें, ठीक है, ये भी दिखाऊंगा। और उसके साथ साफ खोल रहे, साफ करने के साथ क्या होता है कि जल्दी जल्दी साफ करना पड़ता है। मतलब अगर आप यूज कर रहे हैं मशीन 71-05 तो आपने इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा कि आपको जल्दी जल्दी यूज करना पड़ता होगा, लेजर क्लीन करना पड़ता होगा आपको अपना। तो आइए मैं आपको इसका भी सलूशन बताता हूँ कि आपको जल्दी जल्दी नहीं क्लीन करना पड़ेगा और लगभग एक बार साफ करने के बाद 4-5 महीने आराम से निकल जाएंगे आपके। तो कैसे करना है ये सब, तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं मशीन पे कैसे खोल के साफ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ये मशीन है हमारे 71-05 दूसरी मशीन, तो चलो शुरू करते हैं। खोलो, ये कवर खोलना होता है जिसमें कि सुबह ये खुलेगा, दूसरा स्क्रू यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, इसकी मत करिएगा वीडियो पूरा। नए हमारे चैनल पे नया है तो ये दो तीन स्क्रू लगे होते हैं, आप देख, आपको समझ में आ जाएगा स्क्रू कहाँ कहाँ लगे होते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, स्क्रू खोलने के बाद आपको सामने ऐसा देखेंगे, तीन कनेक्टर दिखेंगे, ये तीनों कनेक्शन को रिमूव करना होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे दो, ये जो हाथ रहा यहाँ पे एक स्क्रू लगा रहता है और एक स्क्रू यहाँ पे लगा रहता है। अगर आपने पहले खोला ये नहीं लगाया है तो नहीं लगे होंगे, वरना लगा होता है, इन दोनों जगह पे स्क्रू लगे होते हैं, तो इसमें नहीं लगा होगा मेरे हिसाब से, लगा। हाँ, तो ये स्क्रू खोलना है, एक ये वाला स्क्रू खोलेंगे, कस लिया तो वो वाला, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको खोलते हैं, बोतल निकालते हैं और यहाँ पे कैप लगी रहती है इसके ऊपर, वो खोलेंगे और ये एक स्क्रू ये खोल लेंगे, तो ये वाला स्क्रू खोलेंगे। और एक काम और करना पड़ेगा, डीपी के ऊपर वाली प्लेट हटानी होती है, इसको भी खोलना रहता है, आप इसको भी खोल लीजिएगा, जितने भी स्क्रू लगे हों उसमें, ठीक है, इसको हटा लेते हैं। आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक पेच ये लगा है सामने, इसको भी खोलेंगे। खोलो भाई, अब इसको क्या करना है, वो पेच खोल लिया, अब इसको पूरा नीचे से पकड़ के ताकत से ऊपर की तरफ उठाना होता है, उठाओ, ये उठा के ये बाहर कर देंगे इसको, ये पूरा खुल गया है, हमारा अपर यूनिट है जो निकल गया आराम से, ठीक है। इसको दूर रखते हैं, अब आते हैं लेजर पे, सामने हमारा लेजर यूनिट है, आपको इसके जो ये पेच लगे हैं दो पेच खोलने हैं और ये सारे कनेक्शन रिमूव करने हैं। चलो शुरू करो, एक कनेक्शन वो जो मोटर पे लगा रहता है और 3-4 कनेक्शन इधर लगे रहते हैं। ध्यान से निकालना है इनको, फिर भेज दी आराम से दोनों कनेक्शन। यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से निकालिएगा कि कोई वायर ना निकलने पाए, हालांकि इतना कमजोर नहीं होता है, बट आप ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का कि कोई कनेक्शन, कोई वायर ना निकलने ना पाए, ठीक है। और ये वीडियो जितने भी टेक्नीशियन हैं उनको सबको पता ही होगा, मैं अपने क्लाइंट के लिए बता रहा हूँ, जो लोग हमसे पूछ रहे थे कि लेजर भैया कैसे साफ करते हो, कैसे पकड़ते हो। ये स्क्रू खोल लेना है, ये दोनों स्क्रू, इसके स्क्रू खोल लेंगे और सिंपल सा ये हमारा लेजर ओपन हो गया। और इसको पकड़ के
इस चीज का ध्यान रखते हुए कि इधर से कोई कनेक्शन, हाँ क्लिप निकाल लेनी है वरना वो फंस जाएगा, कोई तार फंसे ना, इन सब चीजों को ध्यान से देखते हुए। ये हमारा लेजर निकल आया। अब ये देखिए लेजर कितना गंदा है, लेजर गंदा कितना है। फर्स्ट तो इसकी धूल, वो अलग कमेटर है जो धूल है इस पे। अब ये देखिए अब इसके ऊपर कितनी धूल नजर आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले धूल को क्लीन करेंगे और इसको खोलते हैं। ठीक है, पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, क्या क्या करना है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। रखे करो रखे, क्या क्या करना है इन सब चीजों को ध्यान से देखिएगा। इसके साथ क्या क्या करेंगे हम, अच्छे से पहले इसकी क्लीन सफाई कर लेते हैं। आराम से इसको, इस वाले को कवर को हटाएंगे आप। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ख़राब क्या होता है। अब ये मोस्ट कॉमनली बात है कि हमारे ये देखिए लेदर, ये खाली ख़राब होती है, गंदी होती है, इसी को साफ़ करा जाता है। ठीक, लेकिन हमको इसको साफ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा गंदगी है, हम इसको साफ़ कर देते हैं। और ये गंदगी क्यों होती है, मैं आपको इस चीज़ का जो मेन रीज़न था, मेन कारण था इसको खोल के सिखाने का, वो ये था कि हम इसको कैसे पैक करें। अभी देखिए आप ये कवर देख पा रहे होंगे, ये सामने आपको कवर दिख रहा है, कवर पे फॉर्म लगा दिख रहा है। ये फॉर्म क्या काम करता है, ये जो फॉर्म लगा हुआ दिख रहा है ना, ख़राब हो गया है पूरा। इस पर एक फॉर्म लगी होती है, पैकिंग होती है, ताकि हमारा जो ये वाला सेक्शन पूरा है ना, ये डस्ट प्रूफ और एयर टाइट रहे। मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार से ना डस्ट आए, इस यूनिट के अंदर डस्ट नहीं आनी चाहिए। और डस्ट कब नहीं आएगी, जब हमारा ये वाला सेक्शन, ये वाला हिस्सा बिल्कुल अच्छे से पैक होगा। था ये क्या करें, क्या प्रॉब्लम होगी कि ये बार बार गंदा होगा, आप जितनी बार भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ होता है, यहाँ पे होता है हॉपर सिस्टम, और हॉपर से टोनर गिरता रहता है, थोड़ा थोड़ा झड़ता रहता है, और ये बार बार गंदा होता रहता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे अगर आपके पास कोई फॉर्म या कोई पैकिंग अवेलेबल है मार्केट में, है आपके पास, मिल जाए कहीं से, तो घोला के लगा लीजिए। नहीं है तो मैं आपको एक देसी जुगाड़ बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ मोस्टली, क्योंकि सब कहीं नहीं मिलती है पैकिंग। और अगर आप पैकिंग आपके पास नहीं है किसी स्टेशनरी की दुकान से, आप सिंपल सा एक डबल टेप लेके आइए। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे मैं पैक करूँगा, इससे छूट के निकल के हमारे लेजर में ना लगे, कोई गंदगी ना बचे, इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। और फिर हमारा डबल टेप क्या करना है, इसको लेना है, देखिए हाँ काम हम कर लेंगे, ये गलत आ गया, ये वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए, तो वो हिस्सा अंदर होना चाहिए, कोई बात नहीं, अच्छे से कर लेंगे। अब क्या करना है कि इसको पैक करना है, लेकिन हमको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि ज़्यादा चौड़ा ना हो। ठीक है, तो हम इसको लगाएंगे, उसके बाद इसको काट देंगे, यहाँ तक लगा जाए। अब हमने इसको इसमें कर लिया। ठीक है, अभी क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा और कम से कोई मतलब नहीं, हमारा काम है जो होना चाहिए। अभी इसको हम छोड़ देते हैं, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा आप काट के हटा भी सकते हैं, अगर आपको नहीं रखना तो काट के हटा दीजिए। और हमने आपको दिखाने के लिए एजुकेशनल पर वीडियो बनाया है, और आप इसको बिल्कुल अच्छे से करिएगा, छोटे छोटे टुकड़े पतले पतले काट के, बट हमने दिखा दिया है। और ये लेजर हमारा कवर तैयार है ऐसे। ठीक है, हमने इसको अच्छे से पैक कर दिया, अब हमको पुट गया, हम इसको रखेंगे अपने लेजर पे, यहाँ पे बाकी सारे इसको टाइट हो जाएंगे। तो
और अगर आपकी मशीन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बार बार लेदर गंदा हो रहा है, मतलब हर 10 दिन पे प्रॉब्लम हो रही है, लेदर गंदा हो जा रहा है या उस पर वो क्या कहते हैं भाप जम जा रही है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट साइड। ठीक है, ये हमारा फ्रंट साइड हो गया, हमने उसको पैक कर दिया, ये हमने अच्छे से पैक कर दिया। अभी आते हैं हमारी बैक साइड की। तो बैक साइड में क्या करते हैं, और दिखाएं बैक साइड में क्या करते हैं। बैक साइड में क्या होता है ना, बैक साइड में हमारी एक स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है ये। तो अगर यहाँ से भी गंदगी अंदर जाती है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इस कवर को खोल के इसके ऊपर एक आप ट्रांसपेरेंट कोई सीट, वाइट ट्रांसपेरेंट सीट लगा सकते हैं, पतली सी बिल्कुल, अंदर से चिपका दीजिएगा, जिससे कि धूल गंदगी इधर से उधर नहीं आएगी और आपका लेदर पूरा 100% पैक हो जाएगा। चलो चलो दोस्तों, ये हो गया, ये हमारा लेदर हो गया पैक। तो और अगर ये कर लेंगे ना, तो आप जब 10-15 दिन पे अपना लेदर साफ करते हैं, ये करने के बाद मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं काम करता हूँ, मैंने लोगों को किया हुआ है, आप 2-3 महीने आपका लेदर अच्छे से प्रॉपर से काम कर जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।